हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानकारी दी गई है ऑल इंडिया किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त कैसे चेक करें। यदि आप टीचिंग कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हो या प्रवेश ले चुके हो, जैसे डीएड, बीएड, एमएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड कोर्स आप कर रहे हो या करना चाहते हो, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कैसे आप अपने कॉलेज की मान्यता चेक कर सकते हो। एनसीटीई से कॉलेज यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है, तभी आपके सर्टिफिकेट को मान्य किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को पता है ही कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जो फर्जी डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से टीचिंग कोर्स कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए आप जिस संस्था से कर रहे हो वह एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अ स्टेचुटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से टीचिंग कोर्सेस कर रहे हो वह मान्यता प्राप्त है या नहीं। इसकी वेबसाइट है nctee.goe.in। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करोगे तो इस टाइप से आपको होम पेज मिलेगा। यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिए ताकि आपको फुल व्यू शो हो। यहाँ पे आपको अपने कॉलेज की मान्यता प्राप्त चेक करने के लिए यहाँ पे होम पेज पे आपको रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस करके टैब मिलेगा। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो इस टैब से न्यू पेज ओपन हो जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे आप ऑल इंडिया किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त चेक कर सकते हो एनसीटीई से अप्रूव है या नहीं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रीजनल वाइज, ईस्टर्न रीजनल कमेटी, वेस्टर्न रीजनल कमेटी, नॉर्दर्न रीजनल कमेटी एंड साउदर्न रीजनल कमेटी। यहाँ से आपको अपने स्टेट की रीजनल कमेटी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इसकी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से स्टेट उसमें शामिल है। ईस्टर्न रीजनल कमेटी, ईस्टर्न रीजनल कमेटी में ये स्टेट शामिल है, तो यहाँ से आप अपने स्टेट की कॉलेज लिस्ट चेक कर सकते हो। उसी प्रकार वेस्टर्न रीजनल कमेटी है, नॉर्दर्न रीजनल कमेटी है एंड साउदर्न रीजनल कमेटी है। स्टेट वाइज यहाँ पे रीजनल कमेटी पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब सपोज यदि हमको छत्तीसगढ़ का कॉलेज लिस्ट चेक करना है, तो इसके लिए हमको वेस्टर्न रीजनल कमेटी पे क्लिक करना होगा। वेस्टर्न रीजनल कमेटी पे क्लिक करोगे तो इस स्टेप से न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे इन इन स्टेट की जानकारी हमको मिल जाएगी। यहाँ पे है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जिस स्टेट की आपको जानकारी चेक करना है उस पर आपको क्लिक करना है। छत्तीसगढ़ को हमको चेक करना है तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। देन इस स्टेप से न्यू पेज ओपन हो जाएगा, वेस्टर्न रीजनल कमिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन छत्तीसगढ़। यहाँ पे जितने टीचिंग कोर्सेज प्रोवाइड करने वाली संस्थान है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करोगे तो पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, फाइल्स नंबर, इंस्टीट्यूशन का नेम, उसका एड्रेस, मैनेजमेंट प्राइवेट है कि गवर्नमेंट की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। एफिलिएटिंग बॉडी की जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, किस यूनिवर्सिटी से वह मान्यता प्राप्त है उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। कोर्स का नेम की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इनटेक कैपेसिटी, टोटल कितनी सीट है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मान्यता प्राप्त ऑर्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑर्डर में यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो उस संस्था की ऑर्डर की पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस टाइप से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने स्टेट की सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में। हमने छत्तीसगढ़ को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ के कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, कौन कौन से कोर्स किस किस कॉलेज में चल रहे हैं। इस टाइप से स्क्रॉल डाउन करके आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हो अपनी स्टेट की। यहाँ से आप नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसी प्रकार यदि आपको अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्टीट्यूट चेक करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे सीजी के पूरे डिस्ट्रिक्ट की जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। जैसे अब हमको बिलासपुर में चेक करना है तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट में बिलासपुर को सिलेक्ट कर लिया। देन सिलेक्ट कोर्स में, जिस कोर्स को आपको यहाँ पे चेक करना है टीचिंग कोर्स की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डीएड, बीएड, एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, सारी कोर्सेज की जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। अब सपोज आपको बीएड का चेक करना है तो बीएड पे क्लिक करना है, देन सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है तो सर्च पे जब क्लिक करेंगे तो पूरी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने कॉलेजेस हैं
जो NCTE से मान्यता प्राप्त है उसकी जानकारी हमको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने कॉलेज हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। इस टाइप से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने कॉलेज हैं जो NCTE से मान्यता प्राप्त हैं BEd कोर्सेज के लिए उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस टाइप से आप यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके अपने कॉलेज को यहाँ से चेक कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको देन कोर्स सिलेक्ट करना है, जिस कोर्स पे आप स्टडी कर रहे हो या स्टडी करने वाले हो उसकी कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मान्यता प्राप्त की जो ऑर्डर है उसको आपको चेक करने के लिए ऑर्डर पे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से न्यू PDF फाइल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे वो संस्था को कब से मान्यता प्राप्त दी गई है, कब तक मान्यता है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसी प्रकार आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑर्डर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप चेक कर सकते हो। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की इस ऑफिशियल वेबसाइट से ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पे टीचिंग कोर्सेज BEd, DEd, MEd, BSc BEd, BA BEd कौन कौन से कॉलेज में संचालित हो रही है इसकी जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको रीजनल सिलेक्ट करना है, जिस रीजनल में आपका स्टेट है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट टीचिंग कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।